हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हमने इस समय एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रखा है और ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एमएस एक्सेल में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इस वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में बहुत कंप्लीट और बेसिक से लेकर के पूरा कंप्लीट हमने इसके बारे में आपको समझा दिया है। इस जगह पे हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पाठशाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने होम टैब के अंदर नंबर वाले फॉर्मेटिंग में, नंबर वाले सेक्शन में ये पूरे बटन के बारे में सीखेंगे। जितने भी बटन दे रखे हैं ये सारे के सारे बटन मोर नंबर फॉर्मेट्स में भी उपलब्ध रहते हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे बटन इस जगह पर भी उपलब्ध रहते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको वन बाय वन कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। इसको कर देते हैं बंद। नंबर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जितने भी बटन दिए गए हैं इनको मैंने पहले से शीट 1 में लिख करके रखा हुआ है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले बात करते हैं जितने भी ये नंबर वाले सेक्शन में जितने बटन दिए गए हैं आखिरकार इनका क्या काम है। तो मैं आपको बता दूं, इसका हमें तब जरूरत पड़ती है जब हम स्पेसिफाई किसी नंबर का इस्तेमाल करना हो तो सिर्फ नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ करेंसी ढेर सारी लिखनी हो तो हमें इस जगह से करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अकाउंटिंग करनी हो तो अकाउंटिंग वाला सिलेक्ट करेंगे। ढेर सारी डेट लिखनी हो तो डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने टाइम लिखना हो, फ्रैक्शन लिखना हो, ढेर सारी परसेंटेज लिखनी हो तो एक एक करके परसेंटेज लिखोगे तो बहुत सारा समय लगेगा। अगर आपने यहाँ क्लिक करके परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया तो अपने आप परसेंटेज का सिंबल नंबर के पीछे लगता हुआ चला जाएगा। आगे मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। इसी तरीके से फ्रैक्शन, इसी तरीके से साइंटिफिक टेक्स्ट का भी और इसी तरीके से स्पेशल का भी इस्तेमाल होता है। सभी के बारे में वन बाय वन प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल के बारे में। देखिए, जनरल जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जनरल ही सिलेक्ट रहता है। इसका इस्तेमाल करके हम कोई भी डेटा सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, करेंसी हो, काउंटिंग हो, डेट, टाइम, प्रतिशत, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट या स्पेशल, कुछ भी हो। लेकिन अगर हम जनरल सिलेक्ट करके ये सब काम करते हैं तो हमें मैनुअली परसेंटेज डालनी पड़ेगी। कीबोर्ड से मैनुअली प्रतिशत का निशान पीछे हमें किसी भी अंक के पीछे लगाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर ऐसी ढेर सारी संख्याओं को हमें इनपुट करना है तो सभी के पीछे प्रतिशत का निशान हम लगाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। अगर यही काम हम परसेंटेज को सिलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ 20 टाइप करेंगे तो प्रतिशत अपने आप लग जाएगा। तो ढेर सारी संख्याएं अगर ऐसे लिखनी है तो प्रतिशत अपने आप लगता जाएगा। तो इस तरीके से हमें, मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूं, जनरल में आप सभी चीजें तो करेंगे लेकिन उनमें आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। जनरल इतना समझ लीजिए कि सामान्य रूप से सभी काम जो है जनरल को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर के बारे में। जब हमको कोई नंबर टाइप करना होता है तब हम यहां से नंबर सिलेक्ट करके टाइप करेंगे तो वो नंबर में ही काउंट होगा। जैसे कि मैं इस जगह पे कुछ नंबर टाइप कर लेता हूं, इस तरीके से मैंने ढेर सारे नंबर टाइप कर लेता हूं और ये देखो मैंने इतने सारे नंबर टाइप कर लिए हैं, सभी नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूं तो इसको मैंने एक नंबर को माइनस में बदल देता हूं और अब इसको पूरा सिलेक्ट करके और इस जगह से नंबर वाला सेक्शन जो फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहां से भी आप नंबर ले सकते हैं क्योंकि नॉर्मली फॉर्मेट यहां पड़े। आप चाहे तो मोर फॉर्मेट पे भी क्लिक करके आगे वाले डायलॉग बॉक्स में नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस जगह पे कुछ सैंपल दिखाई देंगे, नेगेटिव नंबर्स के लिए भी और पॉजिटिव नंबर के लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसको थोड़ा समझिए, आप ये दिखा रहा है कि जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो डेसिमल में आएगा, मतलब 0.0 करके आएगा। अगर आपको दशमलव में चाहिए तो ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है इस जगह से आप दशमलव को हटा सकते हैं। मान लो आपको 2 दशमलव चाहिए तो आप 2 टाइप करके इसको छोड़ दीजिए, 2 दशमलव मिल जाएंगे। इस प्रकार नीचे यूज 1000 सेपरेटर,
अक्सर आपने देखा होगा हम कोई भी काउंटिंग या कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसके ऊपर हजार के ऊपर जाते हैं तो कोमा लग जाता है, ठीक वही काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो सिलेक्टेड नंबर है 1000 के बाद ऑपरेटर यूज होना लगेगा, कोमा का निशान लग जाएगा, वो कोमा से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। नीचे के सेक्शन में माइनस करके जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है, ये जो माइनस वाला नंबर है उनको आप जो है यहाँ पर फॉर्मेट करने के लिए दिया गया है। अगर आप माइनस को इस तरीके से दिखाना चाहते हो पहले वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप चाहते हो कि माइनस का सिंपल ना रहे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर में आ जाए जो भी माइनस नंबर हो जाए तो आप इसको रेड कलर को सिलेक्ट कर दीजिए तो वो रेड कलर में हो जाएगा। इतनी सेटिंग करने के बाद जब आप ओके बटन प्रेस करोगे आपके नंबर उसी तरीके से फॉर्मेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डेसिमल भी आया हुआ है और साथ में ये जो माइनस रेड कलर में आ गया है और आपकी संख्या हजार के बाद कोमा से सेपरेट भी हो गई है, और ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, सेम वही काम हो जाएगा। या फिर फॉर्मेटिंग जो है माइनस वाले वो अप्लाई हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर हमने मोर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली थी और वहां बाहर से डिफॉल्ट जो करेंगे वो यहाँ से तो वो जो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है वही सिलेक्ट होगी, तो आपको मोर फॉर्मेटिंग पे जाना है और यहाँ से सेट करनी है सारी सेटिंग। यूज 1000 ऑपरेटर भी सेलेक्ट कर लेते हैं और रेड कलर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल ये उसी तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इन सबको लिख सकते हो और ढेर सारी संख्याएं अगर आप लिखना चाहते हो तो मान लीजिए आपने जो ढेर सारी संख्या यहाँ पे लिख ली है तो सभी को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आप नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से ये चीजें अप्लाई कर दीजिए और फाइनली आप ओके प्रेस कर दीजिए। अब जो जो भी हमने सिलेक्ट कर रखा है उस एरिया तक आपकी फॉर्मेटिंग जो है अनेबल हो चुकी है, कोई भी संख्या आप लिखोगे जैसे इंटर बटन दबाओगे वो ऑटोमेटिकली 1000 के बाद में कोमा से सेपरेट होती जाएगी और माइनस की संख्या लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर में हो जाएगी, यानी कि जितना एरिया मैंने सिलेक्ट कर रखा था उतने एरिए में ये फॉर्मेटिंग जो है अनेबल हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बार बार आपको जो भी सेटिंग है वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि नंबर फॉर्मेटिंग का क्या काम है। वैसे ये जो डेसिमल ये जो है दशमलव है इनको आप यहां से भी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, ये बटन है दशमलव संख्या को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का, आप बड़ी आसानी से यहां से भी कम ज्यादा इनको कर सकते हैं। ये सारे बटन अंदर भी दिए गए हैं, हम बिल्कुल अंदर से सीखेंगे क्योंकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। अब बात करते हैं करेंसी के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई डेटा बनाते हैं तो वहां पर करेंसी का सिंबल यानी इंडियन रुपीज है तो रुपीज आए साथ में लगा होगा, अगर डॉलर होगा तो डॉलर साथ में लगा होगा, वो आप करेंसी की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ और इस तरीके से जनरल मोड में टाइप हो रहा है क्योंकि कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर रखा है इसी कॉलम के ऊपर। इस तरीके से मैंने कुछ नंबर को सेलेक्ट कर लिया है और इनको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर के और इस जगह से जैसे ही मैं करेंसी टाइप करूंगा तो शेयर फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिखा रहा है। जो भी नंबर माइनस में दिखा रहा है यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो, डेसिमल चाहिए तो यहाँ से डेसिमल बढ़ा सकते हो, सिंबल क्या दिखाना है वो सिंबल आप सेट कर सकते हो, डॉलर दिखाना चाहते हो या कुछ और सिंबल तो जिस तरीके से हम दिखाना चाहते हैं उसी को आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में से सिलेक्ट करके उस सिंबल को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से INR सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहती हैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से सिलेक्ट करके आप फाइनली सारा को सेट करने के बाद जब ओके बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने वही करेंसी अप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार से 1000 ऑपरेटर भी आ गया, डेसिमल भी आ गया और करेंसी भी इसके सामने आ गई है। डेसिमल यहां से हटाना चाहे तो आप यहां से डेसिमल को हटा भी सकते हैं, सेटिंग करने के बाद ओके करेंगे इस तरीके से ये डेसिमल हट जाएगा। ये संख्या बार बार ढेर ढेर व्यक्तियों के नाम लिखी हुई है, सभी के पैसे लिखने हैं तो बार बार आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहां तक डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद हम फॉर्मेटिंग में जाकर के करेंसी वाली में जाकर के वही फॉर्मेटिंग जो है दोबारा से कर देंगे। तो जितने एरिया में आपको सिलेक्ट कर रखा है उस एरिया में आपके द्वारा सेट की गई करेंसी वाली फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी यानी कि अनेबल हो जाएगी। अब जो है अगर आप कोई भी नंबर टाइप करोगे, टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस करोगे, आपके सामने INR अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक्सेल अपने आप उठा लेगा। तो इस तरीके से करेंसी वाला जो फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद आपको बार बार से
डॉलर, करेंसी, INR, ऐसी तरीके मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने डॉलर को सिलेक्ट किया तो डॉलर आ गया, यही काम आप अंदर जाकर के मोर पे जाकर के करेंसी पे सिलेक्ट करके डॉलर सिलेक्ट कर लीजिए और ओके बटन प्रेस कर दीजिए और ये डॉलर हो जाएगा। और यही काम आप शॉर्ट फॉर्म में ऊपर से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ पे हम कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए सारी चीजें। और हम जनरल मोड में सब नंबर टाइप कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई विशेष हमने कोई फॉर्मेट को सिलेक्ट नहीं किया था। सो करेंसी का जैसे हमने सिंबल दिया तो नंबर के बिल्कुल पास में आ रहा है। सेम यही काम जो है करेंसी का सिंबल यहां पर भी आएगा लेकिन अकाउंटिंग में क्या आएगा, दूर दूर आएगा। देखिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम और यहाँ पर हम मोर नंबर फॉर्मेटिंग में गए और इसके बाद अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया। डेसिमल चाहिए तो ठीक है वरना नहीं तो आप यहाँ से हटा दीजिए। कौन सा सिंबल दिखाना चाहते हो अकाउंटिंग में आप वो सिलेक्ट कर लीजिए और फाइनली ओके बटन प्रेस कर लीजिए। देखिए फाइनली सिंबल तो वही है जो हमने करेंसी में अप्लाई किया था लेकिन करेंसी में वो सिंबल बिल्कुल साथ आया था और अकाउंटिंग में वो सिंबल बिल्कुल दूर दूर आया है, यानी कि वो कॉलम के बिल्कुल लेफ्ट में आया है और संख्या बिल्कुल राइट में आई है। तो इस तरीके से ये इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा कि इस तरीके से ये दूर दूर आएगा। तो आशा करता हूं कि आपको अकाउंटिंग वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं डेट फॉर्मेट की तरफ। अब बात करते हैं डेट के बारे में। जब हम कोई भी डेटा एंट्री का काम करते हैं उसमें डेट डालनी होती है तो अब हम डेट फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जर्नल मोड में भी कोई डेट डालते हो जैसे आज की ही डेट डाल देते हैं जैसे 12/11/2022, तो इस तरीके से हमने एक डेट डाल दी है। बाहर अगर क्लिक करते हैं तो डेट फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जब कोई आप डेट डालोगे तो डेट फॉर्मेट जो है एक्सेल अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। अगर आप जो है जानबूझ करके इसको जर्नल कर दोगे तो इस तरीके से ये नॉर्मली अंक आ जाएंगे और डेट पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देते हैं, हमारी डेट आ चुकी है। यही काम आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे इसको हम हटा देते हैं और यहां से आप जर्नल सेलेक्ट कर देते हैं और यहां तक मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं जिस जगह तक आपने डेटा इनपुट करना हो और इस जगह पे हमने मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर के डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहां पर कई सारे डेट के फॉर्मेट दिए गए हैं और मैं ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं जो डेट लिखूं वो इस फॉर्मेट में आ जाए। यहां पर और भी बहुत सारे ढेर सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, आप बारी बारी से सभी फॉर्मेट्स को चेक कर सकते हैं। आप जिस भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे ओके बटन प्रेस कर देंगे, आप जितना आपका एरिया सिलेक्ट होगा उसमें आपका डेट फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। आप इस सेल में डेट को बस लिखना होगा, एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली फॉर्मेट जो सिलेक्ट किया उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा। जैसा कि मैं जो है 1/11/2022 लिख देता हूं और जैसे मैं बाहर की तरफ क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो हमने फॉर्मेट को सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग एक्सेल ने हमें डेटा ला करके दे दिया है। अगर आप जो है इसके अलावा कोई और डेट भी लिखते हो, जैसे हम एक और डेट इनपुट कर लेते हैं 3/11/2022 हमने लिख करके और बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए वो फॉर्मेटिंग बिल्कुल अपने आप एक्सेल द्वारा हमें लौटा दी गई है। एक्सेल अपने आप वो फॉर्मेटिंग लागू करता है। अगर आप सिलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो सेम प्रोसीजर जो है इस तरीके से आ जाएगा, मतलब जो पूरी डेट यहां तक आ जाएगी, फुल फॉर्मेट में आ जाएगी। अब हैश हैश करके जो आ रहा है ये हैश क्यों आ रहा है इसके बारे में अगर आप मैं आपको बताऊं, ये तब आता है जब आपने इस सेल के अंदर जो डेटा लिखा है वो इस सेल के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि वो बड़ा है तो वो हैश हैश करके डिप्लाई जो हैश हैश करके दिखाई देने लग जाता है। इसको पूरा दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इस कंडीशन में इस सेल को पकड़ना है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए मैंने आपको पूरी तरीके से बताया था, तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से हैश हैश हट चुका है और डेट हमें दिखाई देने लगी है। अब वो डेटा पूरा सेल में एडजस्ट हो गया है, विजिबल हो गया है, तो ये प्रॉब्लम इस समस्या का समाधान हो चुका है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि डेट फॉर्मेट आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम को।
तो इस वीडियो के अंदर हमने जर्नल नंबर करेंसी काउंटिंग और डेट के बारे में सीख लिया है। वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट के बारे में और स्पेशल के बारे में भी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट वीडियो आने तक। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।